भी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यानी त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के शौकीन हैं, तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। त्वचा को गोरा बनाने का वादा करने वाली क्रीम्स के विज्ञापनों में आपने अक्सर देखा होगा कि इन क्रीम्स को लगाने वाली महिला या पुरुष को फटाफट कामयाबी मिल जाती है और ये लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के विज्ञापनों से प्रभावित हैं, तो हम आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स आपके शरीर को गोरा बनाने के बजाय आपको जीवन भर के लिए रोगी बना सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रांड्स की क्रीम्स की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी कंपनियां अपनी क्रीम में मकरी यानी पारे का इस्तेमाल कर रही हैं। जिन प्रोडक्ट्स की जांच की गई उनमें तमाम मशहूर ब्रांड्स शामिल हैं। अगर आप इन ब्रांड्स की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च के मुताबिक आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मकरी एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो किडनी, लिवर और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। रिसर्च में पाया गया कि मकरी यानी पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वजह भी बन सकता है। WHO के मुताबिक क्रीम और साबुनों में पाया जाने वाला मकरी यानी पारा त्वचा से जुड़ी बीमारियां देने के साथ साथ डिप्रेशन, घबराहट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। WHO के मुताबिक चीन में 40% महिलाएं और भारत में 61% लोग त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। साबुनों, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला पारा अक्सर पानी में मिल जाता है और ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। यानी गोरापन पाने की आपकी चाहत आपके आसपास के पर्यावरण को काला कर देती है। आपको बता दें कि भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मकरी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, फिर भी क्रीम बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स में काफी मात्रा में पारा पाया गया। हमने इन सभी कंपनियों से जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक किसी कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। जब ये कंपनियां अपना पक्ष रखेंगी तब हम आपको उनका पक्ष भी दिखाएंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के नाम भी आपके सामने रखेंगे। भारत में फेनेस क्रीम्स का कारोबार करीब 3,000 करोड़ रुपए का। भारत में फेनेस क्रीम के कारोबार की शुरुआत 1975 से हुई थी, लेकिन गोरा रंग पाने की चाहत भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों को आम बोलचाल की भाषा में गोरे भी कहा जाता और उन्होंने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का रंग भी भारतीयों के मुकाबले गोरा था। इसके बाद भारत में जाति व्यवस्था ने भी काले गोरे के भेद को काफी हद तक बढ़ाया। कुछ पिछड़ी जातियों के लोग और गरीबी में जीवन जीने वाले सदियों से कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करते आए हैं, जिसकी वजह से उनकी त्वचा का रंग औरों के मुकाबले गहरा हो जाता है। इसीलिए भारत में गोरे रंग को ऊंची जाति और ताकतवर लोगों से जोड़ने की प्रथा भी शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि अब भारतीय लोग गोरापन पाने के लिए किसी भी तरह का उपाय अपनाने से नहीं चूकते। भारत में शादियों के विज्ञापन में भी अक्सर फेयर और वेरी फेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने लिए गोरा जीवन साथी चुनना ही पसंद करते हैं। भारतीय फिल्मों में तमाम हीरो और हीरोइंस गोरेपन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई देते हैं। यानी भारत में गोरापन पाने की चाह हर जगह देखी जा सकती है, लेकिन हमें लगता है कि गोरेपन का वादा बेचकर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मार्केटिंग के दम पर गोरे रंग को अच्छा और काले और सांवले को रंग कमतर बताया जा रहा है। हमें लगता है कि ये अनफेयर है और बहुत अनैतिक है। त्वचा के रंग से किसी इंसान के बारे में राय बनाना अपने आप में एक दूषित विचारधारा है और इस विचारधारा को मिटाने के लिए एक DNA टेस्ट करना जरूरी है। हमारे इस विश्लेषण के दो पहलू हैं। एक आपकी सेहत से जुड़ा है और दूसरा आपकी सोच से जुड़ा है। हमने इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण किया है। क्या गोरापन पाने की चाहत भारत के लोगों को बीमार कर रही है? क्या ब्रेड, दवाइयों और नूडल्स के बाद फेयरनेस क्रीम आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम्स भले ही कामयाबी, अच्छे प्यार और अच्छी नौकरी की गारंटी बन जाती हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन क्रीम्स के प्रति भारतीयों की दीवानगी भारत के लोगों के शरीर और समाज दोनों को बीमार कर रही है। सबसे पहले क्रीम्स के इस्तेमाल से आपके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की बात कर लेते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च ने अपनी एक जांच में पता लगाया कि बाजार में बिकने वाली ज्यादातर फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ने बाजार में बिकने वाली 11 क्रीम्स पर एक क्लिनिकल रिसर्च की। जांच में सभी क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल होने की बात सामने आई।
ये पारा बेहद बारीक होता है और शरीर में जाने पर व्यक्ति को किडनी लीवर की बीमारियां देने के साथ कैंसर जैसे गंभीर रोग भी दे सकता है। स्किन के एपिथेलियम से ये एंटर कर जाती है और फिर ये जीआई ट्रैक से फीटस में चली जाती है। अगर प्रेग्नेंट वीमन है तो फीटस को डैमेज करती है, बच्चों को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है, लिवर को डैमेज करती है। मेटाबोलाइज इन द लिवर ओनली एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज, सो इट्स क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। इकट्ठी हो जाती है बॉडी में तो क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी होती है इसकी। तो ये इनको डालना नहीं चाहिए जब परमिटेड नहीं है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। जिन 11 ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, गार्नियर स्किन, फेयर एंड लवली, ओले नेचुरल वाइट, वेस्लीन हेल्दी वाइट लोशन, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली एसपीएफ 15, लैक्मे 9-5 इंस्टालाइट, जोवी फेयरनेस क्रीम और लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो। डालना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट इज इनहिबिटेड हमारे कहीं भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इवन FDA ने भी 1 PPM की परमिसेबल लिमिट करी हुई है। और अगर ये डाल भी रहे हैं तो एटलीस्ट इन्हें लेबल में मेंशन करना चाहिए बिकॉज ये मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर्स को और ये कस्टमर के राइट्स के अगेंस्ट है। जो भी हमने क्रीम यूज की थी महिलाओं के लिए और जो यूज की थी पुरुषों के लिए जो हमने इस्तेमाल की थी क्रीम, उसमें ज्यादा क्वांटिटी थी मरकरी की, क्योंकि मर्क्यूरी की स्किन जो पुरुषों की स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, तो उसको पेंट्रेट करने के लिए मर्क्यूरी ज्यादा डाली गई है। कंपनी दावा करती है कि उनकी बनाई क्रीम्स लोगों की खूबसूरती को निखारने में मदद करती हैं, यानी ये प्रोडक्ट्स छिपा हुआ गोरा रंग बाहर लाते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उस सोच को बाहर लाने का मौका देता है जिसमें